ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें, किचन से तुरंत हटा देंगे चीजें, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। माता अन्नपूर्णा हो जाएंगी नाराज। माता अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है, उनकी कृपा से घर धन धान से भरा रहता है। आपको किचन में कुछ वस्तुओं को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें वास दोष होता है जो आपकी कंगाली की वजह बन सकता है। घर में किचन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें देवी देवताओं अन्नपूर्णा का वास होता है। उनकी कृपा से परिवार की बरकत होती है, धन और धान से घर भरा रहता है, परिवार के सदस्य खुशहाल रहते हैं। लेकिन किचन में कुछ वस्तुओं को रखने से वास दोष पैदा हो सकता है, जो आपकी कंगाली का कारण बन सकता है। यदि आप उन वस्तुओं को किचन से तत्काल नहीं हटाती हैं, तो आपके परिवार के लोगों की सेहत खराब हो सकती है, धन हानि हो सकती है और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वस्तुएं हैं। पहला, किचन में दवा ना रखें। यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, तो उसे तत्काल वहाँ से निकाल दें। ऐसा नहीं करते हैं तो वास दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन हानि की आशंका होती है। दूसरा, प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। तीसरा, शीशा ना लगे। अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपके चूल्हे की आग की झलक दिखती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उसी से ही निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ता है, जो वास दोष पैदा करता है। चौथा, कूड़े कचरे का डिब्बा। अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में ही रुगड़े कचरे का डिब्बा रख देते हैं, ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाला कचरा उसमें डाल दिया जाए। यह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करना वास दोष के अनुसार गलत है। कूड़ा कचरा नकारात्मक का प्रतीक है, वह आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है। जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है, वहाँ कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। पांचवा, टूटे बर्तन ना रखें। यदि आपके किचन में कप प्लेट कड़ाही कोई अन्य बर्तन टूट गया है, तत्काल बाहर निकाल दें। रसोई घर में टूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए, उनके आशीर्वाद में घर में धन धान बढ़ता है। टूटे बर्तन से दुर्भाग और दरिद्रता बढ़ती है, माता लक्ष्मी नाराज होती है और धन की हानि की आशंका बनी रहती है। छठवां, झाड़ू ना रखें। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखते। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच में विश्वास कम होता है और घर की सुख शांति में बाधा पहुँचती है, इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है। सातवां, स्टोर रूम ना बनाए। कुछ रोगों की आदत होती है, वह लोग सामान इस्तेमाल नहीं करते, उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे सीमा अन्नपूर्णा हो सकती है। गुथा हुआ आटा। आठवां नंबर, रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं, तब रात में गुथा हुआ बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की बात करें तो यह बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इसे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौवां, वास्तुशास्त्र के अनुसार भूलकर भी रोटी बनाने के बाद तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है, आप कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं और आपके ऊपर कंगाली छा सकती है। दसवां, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि किचन में कभी भी कड़ाही को उल्टा नहीं रखना चाहिए। यदि आप रसोई में घर में कड़ाही को उल्टा रखते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है। ग्यारहवां, वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कड़ाही को उपयोग में लाने के बाद हमेशा उसे धोकर ही रखें, इसे गंदा ना छोड़ें। ऐसा नहीं करने से घर में दरिद्रता फैलने लगती है। बारहवां नंबर, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में तांबे, कांसे, स्टील और पीतल के बर्तन हैं, तो उन्हें हमेशा घर की पश्चिम दिशा में रखना उत्तम होता है। तेरह नंबर है, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में भूल कर भी बर्तनों को उल्टा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर वास्तु दोष लग सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य पर देखने को मिल सकता है। यदि आप रसोई घर में बर्तनों को उल्टा रखती हैं, तो घर के सदस्यों की तरक्की में अड़चन आने लगती है और घर में अशांति का माहौल बन जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि
मेरी चैनल में जब भी नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।